धन्यवाद। महाराज जी एक सवाल था, महाराज जी जनता की भी सुनेंगे? नमस्कार, आज योगी बाबा पे बात करते हैं। क्या से क्या हो गए देखते देखते। योगी जी पहले बहुत बातें करते थे, खूब पत्रकारों से मिलते थे, लेकिन आजकल देखिए एकदम चुप्पी साधे हुए हैं। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार कहते हैं, जितनी चाबी भरे नौकर साह उतना चलें योगी बाबा। मतलब यह कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब पूरी तरह नौकरशाहों के चंगुल में आ चुके हैं। वरिष्ठ खोजी पत्रकार दीपक शर्मा तो साफ साफ कहते हैं कि शिशिर सहगल अवस्थी जैसे नौकरशाह जितना सीएम योगी को बताते हैं वो उतना ही सुनते हैं और उतना ही बोलते हैं। नौकरशाहों ने योगी बाबा को कठपुतली की तरह चलाना शुरू कर दिया है। सीएम योगी शहर शहर नगर नगर दौरे कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंख पर नौकरशाहों का चश्मा चढ़ा हुआ है। वे रेड कारपेट पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं और रेड कारपेट पर चलते हुए लौट जाते हैं। न कोई गड़बड़ी मिलती है उन्हें और न कोई अफसर सस्पेंड होता है। इस तरह योगी जी की नज़रों में हर जगह रामराज कायम है। लेकिन जनता के दिल से पूछिए, कोरोना की दूसरी लहर से हुई मौतों के चलते निकली लाशों के अंबार तले करा रही गंगा से पूछिए, काम धंधा बंद होने के चलते लगातार मुश्किलों में घिरे गरीब तबके से पूछिए। खैर किसमें हिम्मत है जो योगी जी से सवाल कर ले, कुछ पूछ ले, फौरन मुकदमा दर्ज हो जाता है, फौरन पुलिस पीछे लग जाती है। वैसे पूछने का काम तो पत्रकारों का होता है, लेकिन आजकल के मीडिया हाउसेज भी मैनेज हैं सो पत्रकार भी चुप ही रहते हैं। लेकिन कुछ एक पत्रकार ऐसे जरूर होते हैं जो रीढ़ सीधी रखकर हिम्मत से सवाल दाग ही देते हैं। आगरा और बांदा में योगी के दौरों के दौरान दो पत्रकारों ने सवाल पूछे, लेकिन योगी ने पलट कर देखा तक नहीं। योगी जी कार में बैठे और चले गए। ऐसे तो न थे अपने योगी जी, खूब बोलते थे योगी, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिया करते थे योगी, पर जाने क्या हो गया है कि योगी भी पत्रकारों के सवालों से भागने लगे हैं। आइए देखते सुनते हैं आगरा और बांदा में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल और आंख नीचे कर निकलते हुए चुपचाप योगी जी को। महाराज जी एक सवाल था, महाराज जी जनता की भी सुनेंगे? जनता की भी तो सुन लीजिए महाराज जी। महाराज जी आगे में काला बाजारी चल रही है। महाराज जी बैठ तो बोल रहे हैं, नहीं बोल रहा हूँ।